नारी को पकड़ने के पश्चात त्रिलोकी के नाथ को कहता है कि महाराज इस तुम्हारे भाई लक्ष्मण के ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है और ब्रह्म शक्ति आकर की छाती में प्रवेश। इतनी बात सुनते ही भगवान त्रिलोकी के नाथ हाथ जोड़ करके कहते हैं हे भैसुषी ये तो मुझे भी मालूम है लेकिन इसकी कोई उपाय है कोई इसकी दवा है जो आप मुझे दिल खोल करके बताइए। तब भैसुषी कहता है कि अवश्य महाराज इसकी दवा है इसकी उपाय भी है दवा भी है। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज जल्दी करके बताइए उसकी उपाय क्या है वो दवा का क्या नाम है। तब उसी तन के अंदर खड़ा होकर के भैसुषी कहता है कि महाराज कोई किनोगनी से पहले चल करके द्रोणगिरी पार में जा सके और बोटी लेकर महाराज वो बोटी किनोगनी से पहले आनी चाहिए यदि सूर्य अस्त हो जाएगा तो वो बोटी काम नहीं करेगी। उसी तन के अंदर भक्त वहां से खड़ा होता है और घर आकर के पूरे बंदर भक्त की सेना बैठी हुई थी सबसे हाथ जोड़ करके फरियाद कोई तुम्हारे अंदर ऐसा कोई महापुरुष हो कोई ऐसा योद्धा हो कोई ऐसा महाबली हो कोई ऐसा भारतीय हो अरे जो रातों रात चल करके द्रोणगिरी पार में जा सके और दिन उगने से पहले रामाकर में मत्स्य गोटी लेकर के ऐसा कोई महापुरुष हो ऐसा कोई योद्धा हो तो अपना ऊपर हाथ उठाइए। भक्तों उसी टाइम में सबकी नीची गर्दन हो जाती है ये पहला जी पहला सिंह जी विक्रम सिंह जी तवर घट्टी चुगलपुरा के निवासी जन की तरफ से भक्तों ये एक छत पंखा और 101 रुपए नगद ताली बजा करके सम्मान करें साहब का जन की तरफ से बहुत अच्छा गाना बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी टाइम के अंदर भोले रामादल में सन्नाटा छा जाता है किसी की भी ऊंची गर्दन नहीं होती है सबकी नीची ना। भगवान बार बार अपील करते हैं कि क्या ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है अरे जो द्रोण के पार में जा सकता है घोटी को लेकर के वापस आ सकता है। भक्तों कोई भी जब शख्स खड़ा नहीं होता है राज के अंदर वो ही पाप पुत्र हनुमान ताज ठोकर के खड़ा होता है और जय श्री राम का नाम लेकर के भगवान के चरणों में शीश नवाता है और एक हाथ जोड़ करके भगवान राम से कहता है और एक फरियाद करता है तुम क्या कह रहा था भूल उठा रखा था सुख रहा था। रात दे जाओ Yeah.
बाबू।